हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारे लिए साइकिल वन सीज़न थ्री के न्यू अपडेट्स की वीडियो है ये। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमको कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, जिसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, कौन कौन से मैप नए आए हैं, प्लस मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसमें रॉयल पास में कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट मुझे बताया आप कर ही देंगे। एंड सो गाइज, इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हमने जैसे टायर के ऊपर गया था, टायर में हमने लास्ट सीजन एस किया था, उस स्पॉट में था, उसका रिवॉर्ड्स मिल चुका है जो है 1600 सिल्वर फ्लेक्स, प्लस उसका टाइटल जो हमको मिल चुका है वो हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सोलो और ज़्यादा खेला नहीं है, तो उसमें हमारे उतना टायर है नहीं, मेनली हम स्क्वाड्स ही खेलते हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि टायर के अंदर कौन कौन से इस बार रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो बाकी रिवॉर्ड तो नॉर्मली हैं, सिल्वर फ्लेक्स, कूपन वगैरह। पर उसके बाद जैसे कि हम डायमंड तक पहुँचते हैं, तो डायमंड के अंदर हमको आने पर मिलती है एक रोज़ा की स्किन, उसके बाद मिलता है क्राउन पे तीन टायर प्रोटेक्शन कार्ड, उसके बाद एस पे मिलेगा हमको पैराशूट, उसके बाद एस मास्टर पे 10 क्लासिक के कूपन, उसके बाद हमको मिलेगा एजोमीटर पे उसका अवतार, और कॉन्करर पे हमको मिलेगा फाइनली हमारी फ्रेम और टाइटल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आगे बढ़ते हुए हम चेक कर लेते हैं हमको इसके अंदर कौन कौन से मैप्स के डाउनलोड्स आए थे। तो सबसे पहले हमको सेपरेट उसके अंदर एसटी आइकन्स और वॉइस पैक दिया जो हमने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हमको लिविक के अंदर एक VS A1 का नया मैप मिला है जो हमने डाउनलोड किया था, सारी चीज़ें डाउनलोडेड है इसके अंदर। उसके बाद VS A1 मैप जो है वो 0.1 MB का है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं आया है, बाकी यूनिट पावर TDM सेम है। उसके बाद हमको फ्लोरा करके एक नया 68 MB का एक अपडेट मिला है, जो कि एक नया मैप है या फिर उसका इवेंट मोड हम कह सकते हैं वो आया है। एसोल्ट हमारा सेम है, सैनोक सेम है, उसके बाद टीम गन भी सेम है, लेकिन सब इन्फेक्शन मोड गाइस वापस आ चुका है। 25.6 MB का जो मैप है ये हमारा वापस आ चुका है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं सेम है, सारी चीज़ें डाउनलोडेड है। उसके बाद रिसोर्स पैक के अंदर आपको फिर से वही चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, एक्साइटमेंट विंटेज क्लासिक के अंदर सारी चीज़ें हमको डाउनलोड करनी होगी फिर से, ताकि हम इसको वापस रिसोर्स पैक के साथ खेल सकें, जो कि एक ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, बट हाँ अपडेट आप कर सकते हैं। सो डेवियंस, आके मूव करते हुए हम चेक करते हैं कि हमारे पास सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नई आ चुकी हैं। तो सेटिंग के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन नए आए हैं, MN टैप टू फायर, एडवांस फीचर्स एंड प्राइवेसी एंड सोशल, ये तीन चीज़ें हमारे पास नई आई हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें नई मिली हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा क्या क्या चीज़ हमारे पास आई है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं MN टैप टू फायर, उसके अंदर हमको हेडशॉट साउंड इफेक्ट्स जो है वो नया मिला है। उसके बाद हमारे पास जो नई चीज़ आई है वो है कैमरा रोटेशन विडल ADS, उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट जो है उसमें टैप और होल्ड के दो ऑप्शन आए हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। पीक का जो ऑप्शन था वो हमारे पास पहले से था, एम सेटिंग्स भी हमारे पास पहले से था, तो सारी चीज़ें वही है, जायरोस्कोप की भी चीज़ें आई है। एडवांस फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें नई आई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मर्जिंग, क्राउचिंग एंड लैंग प्रोन का ऑप्शन जो है वो नया ऑप्शन आया है हमारे पास। हाईलाइट मूवमेंट्स का राइट में जो ऑप्शन है वो नया आया है, उसके अंदर आप अपने मूवमेंट्स को हाईलाइट करा सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेजेस का ऑप्शन हमारे पास नया आया है, जो एक अच्छा फीचर है। उसके बाद स्प्रिंट सेंसिटिविटी हमको 50 पे रखनी है, वो सही है। अलाउ टॉगलिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट UI मोड इन मैचेस भी आप इनेबल कर सकते हैं, उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब अपना मैच खेलते हैं तो ऊपर आपको एक BGMI का लोगो दिखता है, उसको अगर आप होल्ड के रखेंगे तो आपकी स्क्रीन की सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसके बाद वो सारी चीज़ें वर्क करेगी, जैसे शूट, क्राउच, प्रोन, ये सारी चीज़ें वर्क करेगी, बस वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी स्क्रीन पे। तो वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर भी आपको उसके अंदर आसानी हो सकती है, जो बंदे रिकॉर्ड करते हैं गेम प्ले उनके लिए ये बहुत अच्छा फीचर आया है नया। प्राइवेसी एंड सोशल के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी एंड सोशल के अंदर भी चीज़ें नई आई है, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी प्राइवेसी चीज़ों को चेंज किया है, और सारी चीज़ें जैसे कनेक्शन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब चीज़ें भी चेंज हुई हैं। तो ये भी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को अलाउ करना है या नहीं वो चीज़ भी आप सेटिंग से कर सकते हैं। हम आपको BF लवर या फिर इनमें से कोई सी भी चीज़ें आपको दिखानी है या नहीं वो आप सारी चीज़ें भी इससे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट में नई आई हैं, अच्छी चीज़ें हैं। रॉयल पास इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे सकते हैं। इसमें एक नया फीचर बस ये आया है कि नीचे डेट, मंथ, ईयर का जो आप टाइम डिस्प्ले है उस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, जिसका कब से वेट था हमारी इस बार सीज़न 3 के RP का, तो आ चुके इस फर्स्ट नंबर पे हमको मिल जाता है यहाँ पे लोन वुल्फ रॉक की स्किन, जो कि हमारे पहले ही पोजीशन पे हमको मिलती है। उसके बाद हम आगे जाने पर हमको मिलती है इसके अंदर
टेंथ नंबर पे बैक की स्क्रीन जो एक ओके की स्क्रीन है, 13 नंबर पे पैराशूट की स्क्रीन, उसके बाद 15 पे हमको मिलता है इमोट जिसका नाम है ट्विस्ट डांस, उसके बाद हमको साथ में मिलता है एक अवतार जो है आरपी अवतार M3, उसके बाद 20 नंबर पे हमको मिलता है यहाँ पे एक एरोप्लेन की फिनिश जिसका नाम है फ्रूट स्प्लैश फिनिश, एक अच्छी सी क्यूज नॉर्मल सी स्किन है ये, अच्छी स्किन है। उसके बाद 25 पे हमको एक सेट मिल जाएगा, उसके बाद आगे जाने पर हमको मिलता है 30 पे एक ग्रेनेड की स्किन जिसका नाम है डेडली केवेज ग्रेनेड, उसके साथ हमको मिलता है एक मिथिक इमोट जिसका नाम है डी फ्राइड जो कि एक हमको फ्रेंच फ्राइज देता हुआ क्यूट सा इमोट है। उसके बाद आपको 35 नंबर में मिलता है एक ओम की स्किन जो एक अच्छी फिनिश है, उसके बाद 40 नंबर में मिलती है M16A4 जिसका नाम है विकी पार्सल, वो भी एक अच्छी स्किन है, विकी पार्सल नाम थोड़ा यूनिक सा रखा है। 50 नंबर में हमको मिलता है डी फ्राइड सेट के साथ डी फ्राइड कवर जो कि एक अच्छा सेट दिख रहा है, थोड़ा सा फनी है बट ठीक है, अच्छा सेट है। उसके बाद हम चलते हैं आरपी पे, तो आरपी हमको 360 UC की एक आरपी प्लस 960 UC की जो हम आरपी खरीद सकते हैं वो हर बार का एज यूजुअल ऑप्शन है, तो लॉन वोल्स अगर सेट तो कन की स्किन बहुत सारी चीज़ बन नहीं मिली है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सबको बताना कि नई आरपी आ चुकी है और वीडियो को शेयर करके उनको आरपी के अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो ज़रूर बताना। अच्छी आरपी आई है इस बार की, चीज़ें भी नई है, ऑक की क्रोजा की स्किन भी हमको मिलती है इसके अंदर और M16 की स्किन बहुत अच्छी है, नेड की स्किन बहुत अच्छी मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें नई हैं, अच्छा अपडेट आया है, सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा अपडेट है और आई होप इसमें हैकर्स को बैन होने का चीट भी आ चुका हो जिसमें हैकर्स ज़्यादा से ज़्यादा बैन हो चुके हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, जिसने आज तक वीडियो को देखा थैंक यू सो मच मीन्स अलॉट, मिलेंगे हम एक कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेबल एक्सटी गेमिंग साइनिंग ऑफ।